एनीवे तो लेकिन ये जो बिजनेस है ना कॉर्पोरेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि ये जैसे वॉलमार्ट के मार्ट, इनके इतने इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो इनको फॉलो करते हैं, जो आप सोच भी नहीं सकते। तो इनके साथ कभी भी कंपैरिजन मत करो, ये बनना इम्पॉसिबल है। इसको आप इम्पॉसिबल मान के चलो फॉर अवर चैनल परस्पेक्टिव, इसको आप इम्पॉसिबल मान के चलो। कोई हजारों लाखों में, दो लाखों में एक बंदा मिलेगा। सुंदर पिचाई ने भी गूगल खोली नहीं है, खुद गूगल में जॉब करता है और 30 मिनट लेता है। आपको जाके फिगर आउट करना है, अगर आपको जानना है कि कंपनीज कैसे काम करती है। मतलब मैंने कई बार इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें सुनी है, पीपल कंपेयरिंग देमसेल्व्स टू अमेज़न ऑपरेशंस और कंपेयरिंग देमसेल्व्स टू वॉलमार्ट्स ऑपरेशंस एंड एंड के मार्ट्स ऑपरेशंस एंड 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 ऑपरेशंस ऑफ अमेरिकन एयरलाइंस की। वो कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते सुना है। दिस इज अ शियर स्टुपिडिटी, और आप कॉर्पोरेशंस को बनने के ख्वाब से दूर ही रहो तो अच्छा है। आप सबसे पहले ये देखो कि जो गूगल है 30-35 मिलियन तनख्वाह देता है, आप 30-35 मिलियन तनख्वाह लेते भी नहीं हो, आपकी औकात कुछ भी नहीं है। आप अपना दिमाग समझो, ये हार्वर्ड के बंदे को 5-5 मिलियन की, ग्रेजुएट को फ्रेश ग्रेजुएट 5-5 मिलियन की तनख्वाह दे देते हैं, तो इनका तो लेवल ही कुछ हो रहा है, इनका तो लेवल ही कुछ है हो रहा है, ठीक है ना। सो ये कॉर्पोरेट्स के साथ मैं कभी और डिटेल में बता दूंगा, मुझे नहीं लगता इसकी ज्यादा, मैं ऐसी ऐसी बातें शायद रिपीट करूंगा। कॉर्पोरेट्स आप बिल्कुल भी कंपैरिजन मत करो, ये अमेरिका की जो कॉर्पोरेट्स हैं ये बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इनको आप ये मत समझना कि सी कॉर्प्स का बात कर रहा हूँ, सी कॉर्प एस कॉर्प एलएलसी वगैरह सब डिफरेंट है। यू नो टिपिकली जो ये सारी 5 मिनट से नीचे सारी एलएलसीज होती हैं और टिपिकली ये सारी सी कॉर्प्स होती हैं, दैट्स टिपिकली। लेकिन इसमें ये नहीं कि 100% ऐसी होगी सी कॉर्प खोली तो जी कॉर्पोरेट बन गए अमेरिका की। जो मेरा पॉइंट है कि ये क्लासिफिकेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसलिए लोगों को पता ही नहीं, उनको लगता है सारे बिजनेस ही सेम है। सारे बिजनेस ही सेम नहीं है, कईयों के बिजनेस उतने, ये जो बड़े बड़े बंदे हैं, बड़े बड़ी कंपनियां हैं गूगल वगैरह में, बंदा जो फायर हुआ है किसने फायर किया, एचआर बंदे ने पर्सनली। अगर वो नहीं काम करेगा तो कौन, एचआर मैनेजर है, एचआर मैनेजर वीपी भी है। आप एचआर इतनी बड़ी हायरार्की बनाते हो तो खुद ही सारा काम कर रहे हो। स्ट्रीमलाइन प्रोसेस मतलब कि हर चीज की बैकअप है, हर चीज के लिए मतलब एक पूरा उसका सिस्टम के थ्रू काम हो रहा है। तो वो इतना बड़ा सिस्टम बनाना एक इम्पॉसिबल है, ये कार वॉश ये सब 5x वाले बिजनेसेस में, ठीक है ना। इसके बाद 100 मिलियन तक के बिजनेसेस होते हैं जो मुझे लगता है कि जिनको, या 10 मिलियन से स्टार्ट होते हैं, जिसके अंदर काफी सारे प्रोसेसेस कंटेन्ड होते हैं, बढ़िया मेरा काफी सारे प्रोसेसेस स्ट्रीमलाइन होते हैं, और लेकिन फुल्ली नहीं होते। उसमें एक सीईओ चाहिए होता है जो फुल्ली जिसको कर रहा होता है करवा रहा होता है, वो वाला जो काम है थोड़ा सा उसमें उसमें वो वाले बिजनेसेस हैं जो कि आपको करने की कोशिश करनी है। जो मैं आईटी के लोगों को हमेशा बोलता हूँ, 10 मिलियन वाले 5 मिलियन वाले बिजनेसेस ढूंढो व्हाइट कॉलर, और ये उनको करो राइट। मैं उस वाली बिजनेस की लिस्ट बना के आपको दूंगा कभी कभी, लेकिन फिलहाल मैं अपनी बात करूं तो कॉर्पोरेट से बनने की बिल्कुल मत सोचो। और उसके बाद कॉर्पोरेट देखो, 500 मिलियन की भी मैंने कॉर्पोरेट देखी है जो बिल्कुल कॉर्पोरेट सेल में काम करती है। पहले तो ये देखिए कि MuleSoft के बंदे को कितने कितने 150-200 डॉलर दे देते हैं। MuleSoft का इंप्लीमेंटेशन लाते हैं $350 an hour दे सकते हैं, आप दे सकते हो $350 an hour फॉर 700K a year दे सकते हो किसी को। तो ये जो बैंड है ना, जो सबसे टॉप पे जो बंदा जो बैंड बैठा है, इसकी सारी बातें अलग है, इनके आपस में कोरिलेशन है। कई बार कोई छोटी कंपनी होती है कोई बड़ी होती है, कोई सी कॉर्प होती है, कोई कंपनी से एलएलसी है, एंडरसन कंसल्टिंग वगैरह तो एलएलसी थी। इनमें से काफी कंसल्टिंग, आई थिंक काफी कंपनीज हैं जो फैमिली ओन्ड है, एलएलसी टाइप सी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एलएलसी और सी कॉर्प का फर्क है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एक सडन बैंड है एक कंपनीज का जो एक बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से काम करता है। मतलब हैरान कर देने वाले उनके खर्चे होते हैं, आप हैरान कर देते हो। द वे दे मैनेज द होल शो द होल स्ट्रीमलाइन वे, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये लोग मैटरनिटी लीव देते हैं 7 महीने की, पेटरनिटी लीव देते हैं 3 महीने की, फ्री सैलरी दे रहे हैं ये लोग। क्रिटिकल केयर, बंदे की माँ बीमार होगी, क्रिटिकल केयर लीव देते हैं 3 महीने की, ये सब आप कैसे दे दोगे। तो जो ये कारवाश वाला बंदा कैसे दे देगा। तो कॉर्पोरेट बनने के सपने छोड़ दो राइट। तो बेसिकली कॉर्पोरेट एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है, और उसके बाद ये नीचे के सारे बिजनेस अलग बात है। जो बंदा आईटी से निकलता है तो मैं उसको हमेशा समझाता हूँ, बच्चे आप कोशिश करो कॉर्पोरेट या सेमी कॉर्पोरेट बिजनेस को खोलने की, अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको ये कार वॉश इन सब चक्कर में भी नहीं फंसना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर एक बंदा इस तरफ आना भी चाहे तो मुझे कोई इसमें एतराज नहीं, क्योंकि इसमें बहुत पैसा है, अच्छा पैसा, अगर दिमाग लगा के काम करे तो बहुत पैसा बन सकता है। और यही मेरा चैनल कह रहा है सारा, सिर्फ मैं एक बंदा जो आईआईटी से निकल रहा है या जो बंदा प्रिंसटन से निकल रहा है या हार्वर्ड से निकल रहा है, उसको मैं कहता हूँ कि यू ट्राई टू टेक अ स्टैप एट द कॉर्पोरेट अमेरिका एंड बिकम अ सेमी कॉर्पोरेट एंड मेक अ लॉट ऑफ मनी। जैसे मेरे को एक आई नो सम गाय, किसी थोड़ी पुरानी बात है, 4 साल पुरानी बात है, बच्ची ने हार्वर्ड से एमबीए किया था, तो शी शुड नॉट एम टू ओपन बिजनेसेस लाइक दिस, शी शुड एम टू ओपन बिजनेसेस व्हिच केटर टू कॉर्पोरेट्स व्हिच आर लाइक सेमी कॉर्पोरेट्स एंड शुड वर्क इन अ फुल्ली स्टैंडर्डाइज्ड मैनर, एंड देन शी दैट्स व्हाट शी इवेंचुअली डिड आफ्टर 2 इयर्स ऑफ जॉब और समथिंग, शी डिड दैट। सो दैट्स काइंड ऑफ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट्स व्हाट आई लाइक।
सो दैट्स द थिंग दैट्स आप उस लेवल का बिजनेस करो एंड आपके क्रेडेंशियल्स बड़े हाई एंड यू मे बी एबल टू सक्सीड इन देयर एंड देन उसके अंदर मेन चीज क्या होती है कि उसमें कैश फ्लो अच्छा मैं कोशिश कर मेरा हमेशा रहता है उसमें फंडा क्या होता है कॉर्पोरेट्स में ये कंपनियां पैसे नहीं बनाती ये खास बात है इनकी आपको पता होगा उबर और टेस्ला आज भी पैसे नहीं बनाते आज भी नुकसान में है ये कैसे करते हैं सारा काम ये आपको समझने ज्यादा जरूरत नहीं है ज्यादा टेंशन मत लो राइट ये मेरे तो मैं तो कहूँ ज्यादा टेंशन मत लो इसको तो छोड़ एंड ये सारे उस पूरे सिस्टम का पार्ट है तो बस टेंशन लेना बंद कर दो कुछ और चीजें हैं आपको देखना उसके अंदर सीईओ की सैलरीज क्या है 3-4 मिलियन है उस आपको ये चीजें देखनी है कि के उनके अंदर क्या आईटी इंजीनियर्स हैं उनकी उनकी जो आईटी जो उनकी जो एंटरप्राइज है वो 15-20% ले रही है टीसीएस भी सेमी कॉर्पोरेट है कुछ नहीं है वो टीसीएस उनके आगे टीसीएस इंफोसिस बिरला सॉरी सारी कंपनीज विप्रो टेक महिंद्रा सब लड्डू पंडू कंपनियां हैं ये लोगों के आईटी डिपार्टमेंट देखो जाके 1% है इनका खर्चा तो ये सिर्फ लाला कंपनीज है ये अभी ड्रामा कर रही है इंडिया के अंदर तो चलो इंडिया की बात अलग है इंडिया के अंदर आए यहाँ पे उनको कोई नहीं पूछता तो इनके छोटे फ्लेवर हैं आईटी सर्विसेज कंपनी वो खोलने की कोशिश करो सिस्टम इंटीग्रेटर कंपनीज वो अच्छी कंपनीज हैं आपके लिए दोज आर द कंपनीज दैट यू कैन ओपन एज अ हार्वर्ड ग्रेड और एज अ प्राइवेट इक्विटी फंड खोलो हेज फंड खोलो अपना अपना कुछ ऐसा ट्राई करो ट्राई तो मारो आप कम से कम मैं इन सब चीजों में ट्राई मार रहा हूं बड़ा बिलीव करता हूं बंदे को जरूर मारनी चाहिए अगर एक बंदे में काबिलियत है तो वो इस चीज में सक्सेसफुल हो सकता है और इनका स्केल ये रखना होता है कि आप 100 मिलियन पे 50 मिलियन पे इसको एग्जिट मार जाओ जब आपको टाइम लगे ये टिपिकली विल गेट सोल्ड आउट टू दीज बिग कंपनीज बिग कॉन्ग्लोमरेट्स ठीक है ना तो ये आपका एम होना चाहिए कि अमेजोन आपको खरीद ले स्टारबक्स आपको खरीद ले या माइक्रोसॉफ्ट आपको खरीद ले बस ये आपके लिए बेस्ट है ठीक है ना या अगर आपके पास जो कहते हैं ना मेरे पास आइडिया है वो ये बिजनेसेस के नहीं होते 5x से नीचे वाले जो बिजनेस है ना ये इनके लिए नहीं होते वो आइडिया काम करता है वो जो आप सब कॉर्पोरेट्स की बात करें छोटी कॉर्पोरेट्स उसमें आप करते हो उसमें फंडिंग मिलती है उसको आप स्टैंडर्डाइज वे में करते हो सारा काम राइट इनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना ऑडिट रिक्वायरमेंट्स बड़ी स्ट्रांग होती हैं तो इसलिए उसमें आपको बड़े स्टैंडर्डाइज वे में चलना पड़ता है तो वो व्हेन यू हैव आईटी व्हेन यू हैव माइनर फ्रॉम आईटी हार्वर्ड प्रिंसटन एटसेट्रा ऑल दिस टॉप कॉलेजेस देन दोज आर द काइंड ऑफ बिजनेसेस यू ओपन ठीक है ना दोज आर द काइंड ऑफ बिजनेसेस यू शुड ओपन तो एंड उसको एम करो आप पहले क्योंकि वही आपके लिए राइट थिंग है आपके लिए ये चीज ठीक नहीं है कि आप सीधा लाला बिजनेस में चले गए हो आपने परचून की दुकान खोल ली है 1x 5.5x 0.1x वाले बिजनेसेस ये डिफरेंट किस्म की बॉल गेम है दीज आर लाइक ट्रेडिशनल बिजनेसेस 5x से नीचे नीचे कार वॉश से नीचे नीचे होटल से नीचे नीचे मैकडॉनल्ड्स से नीचे नीचे सब ये ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं इनमें मनी गेम है मनी भी चाहिए सारा कुछ है फिर वो सब आ जाता है इससे अच्छा है कि आप एक अपने आइडिया को तराशने की कोशिश करो कि आप 50 मिलियन में सेल हो जाओ एक बंदे ने QRC कोड रीडर बनाया आप जाके गूगल मार लो QRC कोड रीडर कंपनी बॉट फॉर 43 मिलियन और समथिंग ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं किसी ने आइडिया बनाया ही गॉट सोल्ड फॉर 15 मिलियन ही गॉट सोल्ड फॉर 25 मिलियन ही गॉट सोल्ड फॉर 70 मिलियन 100 मिलियन लाइक सो एंड सो फोर्थ उन सब चीजों को एक्सप्लोर करो ठीक है ना तो और उसको एम करो कि आप लेकिन आप ये ना सोचो कि फिर लोग क्या करते हैं सीधा सोचते हैं मैं गूगल बनूंगा मैं गूगल का तो सोल्ड आउट हो जाऊंगा किस दिन वो बनने की कोशिश करो बस ये मेरा थोड़ा सा रहता है उन लोगों को कि वहां तक सोचो कि मैं कैसे गूगल मुझे बाय कर ले कैसे मैं क्या करूं जिससे कि माइक्रोसॉफ्ट मुझे बाय कर ले मतलब क्या मैं करूं कौन से ऐसे छोटे से प्रोडक्ट बनाऊं विच कैन बी बॉट एंड जिसकी फंडिंग मिल जाए जिसके लिए फंडिंग मिल जाए अगर आपको फंडिंग मिलती है प्रॉपर वीसीज की तो प्रीटी बिग थिंग क्योंकि वो स्ट्रीमलाइन बिजनेस को ही देंगे और प्रॉपर आइडिया को ही देंगे जिस हैज सम मार्केट वैल्यू तो इनफैक्ट उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था कि आपको सबसे पहले सबसे छोटी जो वैलिडेशन मिलती है वो मिलेगी आपको वाई कॉम्बिनेटर से अगर आपको वाई कॉम्बिनेटर से वैल्यू वैलिडेशन मिल जाती है यानी वो आपके अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं दैट मीन्स यू आर समथिंग यू हैव सम यू आर ऑन द राइट ट्रैक तो उसके बाद ऊपर ऊपर जाते रहिए लेकिन सबसे पहले वाई कॉम्बिनेटर सबसे कम होते हैं ना फंडिंग उसमें आप मिल जाती है जैसे मान लो 100,000 की फंडिंग मिल जाती है 50,000 की फंडिंग वो बहुत बड़ी बात है उसके बाद उसके ऊपर जाइए उसके ऊपर शार्क टैंक से मुझे क्या प्रॉब्लम है शार्क टैंक वाले ये तक नहीं पूछते तो खुद काम करता कि नहीं करता अरे अगर खुद काम करता है उसका 100,000 का प्रॉफिट तो क्या होगा तो ऊपर भी चला गया नाश्ता तो उसकी प्रॉफिट कैसे गिन रहा अगर वो खुद की सैलरी निकालने के बाद कभी कोई पूछते वैसे खुद की सैलरी निकालने के बाद या पहले अरे यार खुद की सैलरी निकालने से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर खुद की सैलरी वो खुद लगा हुआ है सारा और खुद की सैलरी निकालने के बाद पहले कमा रहा है तो क्या कमा रहा है 100x वैसे ही कोई भी बिजनेस कमा सकता है तो इसलिए इसको कोई मीनिंग नहीं है तो शार्क टैंक कई बार ये गलती कर रहा था बट समटाइम्स दे डू आस्क दिस क्वेश्चन सो आई डोंट नो लाइक दे नीड टू वैल्यू द कंपनी इन अ प्रॉपर मैनर मेरे हिसाब से गलत तरीके से वैल्यूएशन करते हैं बस वो ऐसे ही भागते दौड़ते रहते हैं मुझे नहीं लगता वो बाद में कभी खरीदते भी आई थिंक जो इवेंचुअली जो फंडिंग देते हैं ना शार्क टैंक वाले बड़ी कम रेशियो है जिसको इवेंचुअली फंडिंग देते हैं वहां पे तो बोल देते हैं दूंगा लेकिन बाद में जाके मना कर देते हैं ऐसा कुछ है फंडा जाके आप देखिएगा सारा क्या फंडा है उसके पीछे ठीक है ना तो बड़े बड़े तौर पे
आपको उस तरह की कंपनी बनी जो स्टैंडर्डाइज प्रोसेस से एक हर चीज को रेगुलेशन को फॉलो करके कंप्लायंस को फॉलो करके कर रहे हैं जिसके और जो और आपको आपके आइडिया की वैल्यूएशन वाई कॉम्बिनेटर या वीसी फंडिंग से मिलती है उस चीज पे आप काम करें तो होता है आप बड़ा ऊपर चले जाएं एंड दैट्स व्हाट यू शुड एम फॉर इफ यू आर फ्रॉम द स्मार्ट इफ यू आर अ स्मार्ट गाय। जो बाकी बंदे हैं मेरे सीएसएफ को फॉलो कर सीएसएफ इज ऑल अबाउट ट्रेडिशनल बिजनेसेस दो ठीक है ना। मैं व्हाइट कॉलर ट्रेडिशनल बिजनेसेस की लिस्ट बनाऊंगा जो कि एक आईटी का इंजीनियर कर सकता है और करते नहीं है, जो वो कर सकता है लेकिन कर नहीं रहा और उनको करने से वो दे कैन रियली मेक इट बिग। एंड मैं सिस्टम इंजीनियर का काम है तो उसको करें आप सर आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट करें एंड आप पकड़ लें कि मैंने जॉब नहीं करनी मैं सिर्फ आईटी सर्विसेज ही दूंगा और सेल्समैन का ही काम करूंगा कंपनी में एंड पूरा मतलब उसकी सप्लाई चेन बनाइए कि डिलीवरी कैसे करेंगे एंड देन यू शुड बी एबल टू डू समथिंग। तो ये एक एग्जांपल है जिस तरह का काम मैं आपको करने के लिए कहता हूँ एज पार्ट ऑफ सीएसएफ जिसके अंदर आप जिसकी वैल्यूएशन आपकी 50 मिलियन 10 मिलियन 20 मिलियन की हो सकती है और जिससे आप पैसा बना सकते हैं मैं इस तरह ठीक है ना। सो एनीवे सो दिस इज आर द टाइप्स ऑफ बिजनेसेस वन शुड नो पीपल डू नॉट नो दीज बेसिक थिंग्स। उनको लगता है कि रेस्टोरेंट खोला है गूगल खोला है एक ही बात है, उनको लगता है कारवाश खोली है अपना क्या नाम है सिस्टम इंटीग्रेटर कंपनी खोली है एक ही बात, उनको लगता है होटल खोला है ये खोला एक ही बात है। नो एक ही बात नहीं है। आप नोट करेंगे कि होटल शोटल कारवाश वगैरह बहुत लो लेवल के स्किल वाले बंदे भी खोल लेते हैं ठीक है ना, लेकिन एक सर्टेन लेवल 5x से ऊपर आपको तगड़े स्किल्स चाहिए। मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा हार्वर्ड वगैरह के बंदों से यू नीड रियली गुड एनालिटिकल स्किल्स एंड यू रियली गुड पीपल स्किल्स एंड रियली गुड लीडरशिप स्किल्स ऑल दोस थिंग्स कम इनटू पिक्चर व्हेन यू हैव व्हेन यू आर एमिंग फॉर दैट कंपनी एंड ओनली लाइक एज आई सेड हार्वर्ड का बंदा प्रिंसटन का बंदा आईआईटी का बंदा शुड एम फॉर दैट कंपनी।